भाई लेक्चर नंबर फोर। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन विद द बैंक। बिजनेस के सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किसके साथ होते हैं? बैंक के साथ होते हैं। अब बैंक का एक सिंपल सा रूल दिमाग के अंदर डाल के चलो। अगर आपने कभी भी बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया और उससे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उससे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्लियर है? अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा? अगर अगर बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? ये याद रखना है। इतना याद रख सकते हो? अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो क्लियर है? अब आप ट्रांजेक्शन करो, ₹20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। इस चीज से मुझे ये बताओ कि भाई आप लोगों को बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम? बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक में डिपॉजिट किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट। कितने रुपए हमारे पास? 20,000। 20,000, यहां तक किसी को डाउट है? पक्का? बढ़ो आगे। चल अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरि, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम व्हिच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने तुरंत ही वो किसमें दे दिया? बैंक। अगर मुझे कोई चेक दे रहा है और मैं बैंक में डाल रहा हूं, तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? ₹2,000 received from रमेश लाल फॉर ड्यूज। अगर कोई मुझे चेक देके जाता है, रमेश लाल करके बंदा था, और वो मुझे सालों से उसका पैसा बाकी था, और आज आके वो देके गया, सालों से मतलब 2-3 महीने से बाकी था, ऐसा मान लो, और वो आज मुझे पैसा आके देके चला, तो उससे मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया या कम? बढ़ेगा। तो 6 डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट है, और ये क्यों बढ़ा? किसने चेक किया? तू रमणी क्लास। कितने रुपए है? 2,000। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड टू रूपाली, रूपाली मैडम को हमने गुड्स बेचे, तो 14,000 आउट ऑफ विच चेक रिसीव फॉर विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मैंने गुड्स कितने के बेचे उसको? 14,000। और उसने मुझे चेक कितने का दिया? 7,000 रुपए का। इससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। पहले पहले एक मिनट शांति शांति से, बैंक अकाउंट डेबिट। हां, मैंने माल कितने का बेचा? 14,000। तो मेरे गुड्स, मेरे जेब से गुड्स कितने के गए? 14,000 के। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 14,000। तो सर बाकी के 7,000 रुपए के क्या हुआ मुझे बताओ? ये 7,000 रुपए का क्या हुआ? डिस्काउंट, इतना ज्यादा कोई डिस्काउंट देता है? क्रेडिट में होगा, कैश में होगा। तो लिखा हुआ कि भाई 7,000 का चेक दिया, 7,000 रुपए कैश में दिया, ऐसा लिखा होगा। पर कुछ भी लिखा हुआ है? पर पार्टी का नाम दिया हुआ है। हाँ, क्या है पार्टी का नाम? तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हम लोग, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ? हाँ, रूपाली अकाउंट डेबिट, रूपाली अकाउंट। अभी के लिए ये आईएमपी है सर। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे पास एक कैटेगरी आएगी, परचेज और सेल्स। हमारे पास एक कैटेगरी आएगी जिसका नाम क्या होगा? परचेज और सेल्स। उसमें हम लोग ये सारे ट्रांजेक्शन करेंगे। क्लियर? आज के लिए इम्पोर्टेंट खाली ये पार्ट था कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर? डन। इसके अलावा नीचे के दो अकाउंट है वो हम लोग उस टाइम पे ज्यादा फोकस करेंगे। डन। बढ़ो मैं आगे। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। अब अगर मैंने किसी गुड्स परचेज किया और मैंने चेक लिख के साइन करके दे दिया, उससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम? तो मेरा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से कम होगा? 10,000 का था हाफ अमाउंट, 10,000 का हाफ कितना होता है? मैंने माल कितने का खरीदा? 10,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने माल खरीदा 10,000 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000। तो बाकी के 5,000 रुपए जो है वो पार्टी के अकाउंट में जाएंगे, उसका नाम था दीप कला। चलो ₹400 withdrawn from the bank for personal use and 800 for office expenses। ये IMP, सुनना मेरी बात।
जो मैं समझाना चाहता हूं ध्यान से सुन। ओनर ने बिजनेस के बैंक में से कुछ पैसे उठाए, कितने रुपए उठाए? 400 + 800 = 1200। कितने रुपए उठाए? 1200। इस 1200 रुपए में से उसने ये देखा कि ओनर ने अपनी जेब में डाल दिए 400, और कुछ रुपए जो 800 रुपए थे वो बिजनेस में लेके आया। क्लियर है? किस पर्पस से लेके आया गया? ऑफिस एक्सपेंस। मुझे ये बताओ क्या आज के दिन पे अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ है? आप इसे थोड़ा इंग्लिश में समझो। यहाँ पे नल बिगड़ गया, मैं जैसे ही ऊपर आया मुझे बोला गया कि भाई प्लम्बर को शाम को बुलाए, 700 रुपए जितना चाहिए होगा। कितने रुपए? 800 रुपए जितने चाहिए होंगे वो नल रिपेयर करवाने। मैंने बोला मैं तो जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि सर मैंने तो बुला लिया, कुछ कर लेना। तो मैंने क्या किया, नीचे गया, बैंक में से रुपये उठाए और मैंने आके विनोद भाई के हाथ में दे दिया। क्या प्लम्बर आ गया था उस टाइम पे? क्या मेरा खर्चा हो गया था उस टाइम पे? मैंने तो खाली क्या किया हुआ है, कैश विड्रॉ किया हुआ। क्या किया है? कैश विड्रॉ। और अगर मैं ये पैसा उठा के लेके आ रहा हूँ तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? तो एक तो टू बैंक अकाउंट कितने से कम होगा? 1200 रुपए से। इस 1200 रुपए में से बिजनेस देख रहा है, क्यों हमें बिजनेस के व्यू पॉइंट से करना है कि ये सारा लेके आया 1200 रुपए पर उसने लुच्चे ने क्या किया, 400 रुपए कहां बढ़ा दिए अपनी। तो वो आते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 400 रुपए, और बाकी के 800 रुपए उसने आके विनोद भाई को दे दिए, तो वो कैश अकाउंट डेबिट, कि अभी तक खर्चा हुआ नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। भाई एक्सपेंस हुआ क्या है? साफ साफ इंग्लिश में ये लिखा हुआ है विड्रॉल फॉर द बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस, और अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं। क्लियर? अगर ऑफिस एक्सपेंस हो जाता तो लिखा होता पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ये हो चुका है। क्लियर? बेसिक इंग्लिश। कोई डाउट है यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 पेड बाय चेंज। बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। 18 डेट पे लिख देना वो बैंक अकाउंट। कितने रुपए से कम होगा? 300 और 450 7। और ये लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ किसकी होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। समझदार हो गए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 300। और ये फायर इंश्योरेंस तो बिजनेस के लिए होता है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 450। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन। चलो, बैंक इज अप्रूव ओवरड्राफ्ट ऑफ 25। ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट में कुछ ही पैसे पड़े और आपको उससे ज्यादा रुपए विड्रॉ करने, तो अगर आपका करंट अकाउंट है, अगर आपका तो आपको क्या करने देते? विड्रॉ करने देते। आपको क्या करने देते? क्लियर है? ये होता है। अब इसे हम लोग ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोलते हैं। अब बैंक वालों ने, मान लो मैं ऐसा करता हूँ भाई, सुना वर्धन को मैंने ऐसा बोला कि देख भाई वर्धन, लाइफ के अंदर तुझे कभी भी कोई जरूरत याद रखना, उदयन से बैठे हुए 30,000 रुपए तक का जवाबदारी मैं देता हूँ। ऐसा बोलने से क्या मैंने उसे 30,000 रुपए दिए? उसने क्या 30,000 रुपए लिए? तो सेम चीज यहाँ, बैंक हैज अप्रूव्ड, अप्रूव करने का कोई मतलब बनता ही नहीं, ये बन जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्लियर है? बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 250 एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100। यहाँ पे दो चीज है बरा, इस चीज पे अभी के लिए आपकी ऐसी एज है जहां पे आपका मेंटल कैपेसिटी जो है ना वो अलग अलग तरीके का है, धीरे धीरे कर। क्लियर है? पहले एक ही चीज को देखो, फोकस करो, फोकस यहाँ पे सब। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹100, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, कितने रुपए दे दिया? इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है कम? बैंक ने आपको ब्याज दिया ₹250, बैंक अकाउंट है, और ये ब्याज का पैसा आ गया तो इंटरेस्ट अकाउंट।
देन इंटरेस्ट इज अवर इनकम, इंटरेस्ट इज अवर इनकम. सेकंड डेबिटेड बैंक चार्जेस रुपीज 100. बैंक ने क्या कर दिया, हमारे अकाउंट में से काट दिया, हमारे अकाउंट में से काट दिए. कितने रुपए काट लिए? 100. इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा अकाउंट, और ये खर्चा हुआ हमें, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड. कितने रुपए? 100. क्लियर है? ऐसे करके हम लोग दो दो एंट्री करते हैं. अब आप में से कई सारे महानुभाव को एक दिमाग में क्वेश्चन है, सर अहिया तो क्रेडिट ले तू और आपने डेबिट कर दी तू, अहिया डेबिट ले तू और आपने क्रेडिट. ऐसा देखो, आप और बैंक जब बुक्स बना रहे हो ना, तो आपस में उल्टी बुक्स बनती है. आपस में क्या बनती है? उल्टी बुक्स. क्योंकि अगर आप रिसीवर हो तो वो क्या बन जाता है? गिवर. क्लियर है? तो वो अलग तरीके से अकाउंटिंग करता है, हम अलग तरीके से करते हैं. खाली इतना ध्यान रखो, बैंक हैज डेबिटेड का मतलब है काट और बैंक हैज क्रेडिटेड का मतलब है दिए. क्लियर है? इतनी चीजें याद रखनी है. देन क्लियर. और ये याद कैसे रहे कि देखो, कई बार ऐसा होता है आपके मम्मी पापा अगर जॉब कर रहे हैं ना, तो उनकी जब सैलरी होती है तो एक फोन में मैसेज आता है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, क्रेडिटेड इन योर, दैट मींस बड़ी. क्लियर है? और अगर कुछ रुपए काट लिए जाते हैं तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. डेबिटेड का मतलब है कम कर दिया. लॉजिक बैठा दिमाग में? चेक ऑफ रुपीज 5000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड. और चेक दिया हुआ है तो कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट. कितने रुपए है? 5000. समझ में ही बात है? क्लियर है? एक्सरसाइज 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 6. तो आपके पास टोटल सम्स कितने हो गए? 3 सम्स होमवर्क के अंदर. क्लियर है? तो इतनी चीजें बैंक के ट्रांजैक्शन कर, चलो करो फटाफट से.